आपको यही करना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लैपटॉप में अगर ब्लैक स्क्रीन हो जाए, जैसे कि इसमें ये पीसी आ रखा है हमारे पास, इसमें देखो हम बटन दबाते हैं, ये लाइट नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसमें ब्लैक स्क्रीन का इशू है। तो हमें तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, ज़्यादातर दो तीन मेन कारण होते हैं, तो उनमें से एक कारण तो ये होता है कि यार बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, तो बैटरी निकाल लेते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ जाए, ठीक है, आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं करा, तो या तो उसे साफ कर लीजिए या डायरेक्ट करंट पे चलाओ। अभी तो हमारे वैसे बैटरी में इशू है नहीं, तो हम डायरेक्ट पीसी को खोलेंगे, ठीक है। मेरे इस पीसी में तीन स्क्रू हैं, बट मैंने अभी दो ही लगा रखे हैं, ठीक है ठीक है, तो निकाल लिया, ठीक है। यह यहाँ पर SSD हमारी, और दूसरा यहाँ पे रैम है। रैम के दो स्लॉट होते हैं, मगर इसमें मैंने एक ही रैम लगा रखी है, तो जो ये प्रॉब्लम आती है केवल रैम से आती है। तो ये जो रैम की आपको दोनों साइड दिख रही है, ये और ये, इसे आपको एक कपड़े से साफ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर इसे ऐसे, ठीक है, दोनों साइड। और दूसरी बात पता क्या है कि अगर आपने रैम खरीदी है, तो इसकी जो ज़्यादातर रैमों की वारंटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है, तो आप उसे चेंज भी करा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आती है। मोस्टली केसेस में ये प्रॉब्लम आती है, और हमारा तो ऐसे है कि हम चेंज करा के ले आते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी है, तो वो कोई डेट वगैरह में नहीं देखते, सीधा चेंज करते हैं। तो इसके बाद हमें ये पूरा कर लिया, और यहाँ पे अपनी जो ये है ये लगा, फिर बैटरी लगा के चालू करके देख लें। और इसी चीज़ के आपको कितने प्राइस देना पड़ेगा, 400 से 500, बिकॉज ब्लैक स्क्रीन पे कोई वो नहीं होती गारंटी कि चले ना चले, बट 600 रुपये ऑन हैंड होते हैं, इतने से काम के लिए, ठीक है। अब आप देख लो, ये हमारा पीसी है, और यहाँ पे ये लाइट, ठीक है, ओके। दोबारा करना पड़ेगा, ये नहीं हुआ बिकॉज पता नहीं क्या भी। अब हमें क्या करना है, इस रैम को यहाँ से निकालना है, दूसरे स्लॉट में लगाना है, ठीक है, यहाँ से, ओके। कीबोर्ड की प्रॉब्लम आ रही है, फक ऑफ, ठीक। इसमें सही में कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो इस रैम को अभी निकाल के बाहर रख लेते हैं। ये इसकी बैटरी है, इसे दोनों साइड से अभी देख लो क्या है इसमें प्रॉब्लम। अभी ठीक है, रैम का ही इशू होता है और कुछ, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि रैम में तो प्रॉब्लम है, ठीक है ओके। अब ये देखो चल गया। तो आपको यही करना है, रैम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, रैम से ही आपका ब्लैक स्क्रीन दूर हो जाएगा 30 से 40% केसेज में ये होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और आने वाली वीडियो में ऐसी ही बातें होती रहेंगी डायग्नोस हब पे। थैंक यू।